Thank <tune sound> भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय नित्यानंद श्री अद्वैतगदाधर श्रीवासादिगौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण रसमालयम के और एक सत्र में उपस्थित सभी दर्शकों का स्वागत हो पिछले सत्र में हमने देखा कि किस प्रकार यमदूत जो है वे कहते हैं कि यतेह देव प्रवर स्त्रिविद्यम उपलभ्यते भूतेषु गुण वैचित्र्या तथा अन्यत्र अनुमीयते जिस प्रकार आज हमारी परिस्थिति है जिस प्रकार तीन गुणों के विशिष्ट मिश्रण के प्रभाव में आज हम कार्य कर रहे हैं उससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि पूर्व जीवन में और आने वाले जीवन में हमारा स्वभाव कैसे होगा ये कहते हुए आगे बढ़ते हैं वर्तमान अन्यन्यो कालो गुण अभिज्ञापको यथा एवं जन्मन्योर एतद धर्म अधर्म निदर्शनम जिस प्रकार वर्तमान काल अब जिस प्रकार एक विशिष्ट ऋतु चल रहा है जैसे वर्षा ऋतु चल रहा है तो वर्तमान वर्षा ऋतु का अनुभव लेने के पश्चात हम जान सकते हैं कि भूतकाल में वर्षा ऋतु कैसा रहा होगा और आने वाले भविष्य काल में वर्षा ऋतु कैसा रहेगा तो वर्षा ऋतु का अनुभव लेने से हम अन्य अन्य काल अन्य काल यानि भूतपूर्व और आने वाला भविष्य में इसका कैसा अनुभव हम प्राप्त कर सकते हैं इसकी अनुभूति हमें प्राप्त होती है इसका ज्ञान हमें प्राप्त होता है जैसे वर्तमान काल में विशिष्ट काल का गुण का अनुमान हम भूतकाल के भूतकाल से और आने वाले भविष्य काल से लगा सकते हैं उसी प्रकार एवं जन्मन्योर एतद धर्म अधर्म निदर्शनम उसी प्रकार व्यक्ति का जो वर्तमान जीवन का जो स्वभाव है उससे ये निदर्शित होता है कि वो व्यक्ति कितना धर्म और कितना अधर्म में उसका भूतकाल बीता है और आने वाले भविष्य काल में भी उसका किस प्रकार धर्म अधर्म से संबंध आएगा बहुत बार हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति को देखने के पश्चात हमारे मन को बड़ा अच्छा लगता है वो व्यक्ति शांत होता है नम्र होता है उसकी वाणी में मधुरता होती है अपने बड़ों के प्रति आदर होता है माता पिता के प्रति आदर होता है देवी देवताओं के प्रति आदर होता है वो किसी से भी किसी भी प्रकार के नफ़रत नहीं करता द्वेष नहीं करता ईर्षा नहीं करता किसी स्पर्धा में भी रहेगा तो जिसे कहते हैं हेल्दी कंपटीशन उसमें वो रहता है ऐसे सद्गुणों वाले व्यक्ति से मिलने के बाद हमारा मन भी प्रभावित होता है जो वर्तमान जीवन के उसके गुण हैं वो निर्देशित करता है कि उसका पिछला जीवन किस प्रकार से रहा होगा कोई व्यक्ति ऐसा शास्त्र में कहा गया है कि कोई व्यक्ति अगर माता पिता का आदर करता है देवी देवताओं का आदर करता है उसकी वाणी में मृदुता है स्वभाव शांत है तो समझना चाहिए कि वो स्वर्ग से आया है पिछले जीवन में उसने काफी पुण्य किए उसकी वजह से उसे स्वर्ग में वास मिला और स्वर्ग से वो आया है कोई व्यक्ति बड़े तमोगुणी रहते हैं उन्हें देखने के बाद ही कभी कभी भय भी लगता है और उनके आचरण से तो ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति के साथ हमारा संपर्क फिर से नहीं आना चाहिए जिसकी वाणी बहुत ही कठोर होती है वो किसी का भी विचार किए बिना कार्य कर देता है किसी के प्रति उसके मन में आदर नहीं होता ना माता पिता के प्रति ना देवी देवताओं के प्रति न समाज के अन्य घटकों के प्रति ऐसे व्यक्ति को समझना चाहिए कि निश्चित रूप से उसे पिछले जन्म में नरकवास प्राप्त हुआ है उसके पिछले कर्मों के अनुसार ये निर्देशित करता है आपका धर्म और अधर्म के साथ कितना संपर्क आया है ये हमारे वर्तमान काल से हम उसका अनुमान लगा सकते हैं पुण्यवान व्यक्ति स्वभाव से ही मालूम पड़ता है और पापी व्यक्ति भी अपने स्वभाव से बता देता है कि वो कितना पाप में फंसा हुआ है पुरे पुरेदेव पूर्व रूपम विपश्यति अनुमीमस पूर्वम मनसा भगवान अजह तो हमारे जो देव है हमारे जो स्वामी है यमराज जो कि व्यक्ति को उसके पाप और पुण्य के फल को प्रदान करते हैं मन ही पूरे वो अपने धाम में रहते हुए पूरे अपने धाम में रहते हुए अपने पुरी में रहते हुए ही मन से ही उनको चिंतन हो जाता है कि किस व्यक्ति का किस प्रकार का कर्म है उसने कितने पाप किया है कितना पुण्य किया है पूर्व रूपम विपश्यति वो मन से ही देख सकते हैं विपश्यति मनसा भगवान अजह अजह कहते हैं ब्रह्मा जी को अजह साक्षात भगवान विष्णु को भी कहते हैं तो जिस प्रकार से ब्रह्मा जी है उसी प्रकार हमारे स्वामी यमराज है वे मन से ही जान लेते हैं और फिर पूर्व हमने सुना कि किस प्रकार अनेक अनेक साक्षी है जो जीव के कर्मों की साक्षी देते हैं जैसे दस दिशा है दिन है रात है ये सब हमने पूर्व के सत्र में सुना था तो इन साक्षियों के द्वारा और साक्षात भगवान जो कि यमराज जी के हृदय में भी है और हमारे हृदय में भी परमात्मा स्वरूप है ये भी साक्षी देते हैं तो इन सभी साक्षियों के द्वारा यमराज जी अपने धाम में रहते हुए देख सकते हैं कि कौन से व्यक्ति ने किस प्रकार का कर्म किया है और फिर उस कर्मों का पूरा लेखा जोखा लिख कर अनुमीमांसते अपूर्वम वो अनुमीमांसा कर सकते हैं वो निश्चित कर सकते हैं कि इसका अपूर्व इसका भविष्य का जीवन कैसा होना चाहिए कहाँ उसे भेजा जाना चाहिए क्या उसे उसके पाप के लिए नरकवास में दंड देना चाहिए या उसके पुण्य कार्य के लिए स्वर्गवास में उसे भोग देना चाहिए या फिर ये दोनों होने के पश्चात इस मृत्युलोक में किस योनि में उसका जन्म होना चाहिए हम हमारे खुद के चयन से हमारे जीवन को नहीं चयन कर सकते हमें ये स्वतंत्रता नहीं है कि हम खुद चयन करें कि हमें किस परिस्थिति में किस देश में किस काल में किस व्यक्ति के घर पे किस कुल में जन्म लेना है अगर ऐसी स्वतंत्रता हमें प्राप्त हो जाए तो फिर तो क्या कहना परंतु ये स्वातंत्र हमें नहीं है हमारे कर्मों के अनुसार हम बाध्य किए जाते हैं अमुक अमुक कुल में देश में काल में परिस्थिति में जन्म लेने के लिए हम बाध्य किए जाते इसलिए हम देखते हैं कि कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है तो वो रोते हुए जन्म लेता है क्यों क्योंकि वो बाध्य है जन्म लेने के लिए उसे जन्म नहीं लेना है लेकिन बाध्य है जन्म लेने के लिए हमें भी जन्म नहीं लेना था हम बाध्य है जन्म लेने के लिए भागवत कहता है कि जब गर्भ में जीव रहता है तो वहां का क्लेश सहन करके ही वो भगवान से प्रार्थना करता है और प्रार्थना करते हुए कहता है कि मुझे यहां से बाहर निकालो मैं पुनश्च इस परिस्थिति में नहीं फंसूंगा मुझे पुनश्च जन्म नहीं लेना है लेकिन अभी मुझे आप यहां से निकालो लेकिन जैसे ही उसका जन्म होता है वो भूल जाता है हम भी ऐसे क्लिष्ट परिस्थिति से जब गुजरे तो हमने भी प्रार्थना की होगी परंतु जन्म लेने के बाद हम भूल जाते हैं कि किन कष्टों के साथ हमने इस देह को प्राप्त किया है और मनुष्य देह जो कि इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होने का एकमात्र उपाय है उसका हम दुरुपयोग कर बैठते हैं और दुरुपयोग क्या है धर्म के विपरीत कार्य ये इस शरीर का दुरुपयोग है यथा अन्य तमसायुक्ता उपासते व्यक्तम एव ही न वेद पूर्वम अपरम नष्ट जन्म स्प्रतिस्थता जिस प्रकार तमसायुक्ता तमसा, तमसा जैसे हमने पूर्व सत्र में कहा था कि तमस नींद को भी तमस कहा गया है क्योंकि व्यक्ति पूरी तरह अंधकार में होता है जब वो सोता है ही इज नॉट कॉन्शियस वो चेतन नहीं है अपने इस शरीर के प्रति वो तमगुण में जाता है तो तमसा युक्ता सोया हुआ व्यक्ति जो अज्ञा हो जाता है हम नींद में हमारे परिस्थिति का हमें हमारे शरीर का हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा का इसका उसका कुछ ध्यान नहीं रहता है हम भूल जाते हैं हम अज्ञा हो जाते हैं है ना वी फॉल अनकॉन्शियस इन स्लीप उपासते व्यक्तम एवं और कभी कभी वही नींद में सुप्त अवस्था में हम एक स्वप्न देखने लगते हैं और स्वप्न में हमारी एक परिस्थ हमारा हमारी एक परिस्थिति व्यक्त होती है हम कभी कभी देखते हैं कि हम अमुक अमुक परिस्थिति में अमुक अमुक देह में हैं कभी कभी नींद में हमें सोने का पर्वत दिखाई देता है तो कभी कोई बाघ हमारे पीछे दौड़ रहा है और हम आगे दौड़ रहे हैं ऐसा हमें प्रतीत होता है कभी देखते हैं कि हम बहुत बड़े राजा हैं और सैकड़ों सेवक हमारे साथ है तो कभी देखते हैं कि रस्ते पे बैठकर हम भीख मांग रहे हैं कभी देखते हैं कि बहुत सुंदर परिवेश में हम विहार कर रहे हैं तो कभी देखते हैं कि हम बहुत बुरी अवस्था में फंसे हैं तो ये स्वप्नवत अवस्थाएं हैं दिन भर के अनुभवों को एकत्रित करके एक परिस्थिति उत्पन्न होती है और उसे हम स्वप्न में देखते हैं अब उस उस सुप्त अवस्था में उस नींद के समय में जितना भी समय हम सोए हुए हैं उस समय तक हम उस व्यक्त परिस्थिति को ही सही मान बैठते हैं उपासते हम उसे ही सत्य मानते हैं कि यही वास्तव में मैं एक बहुत बड़ा राजा हूँ मेरे नीचे इतने सारे सेवक हैं, मैं आराम से बैठकर भोग विलास कर रहा हूँ ये परिस्थिति को हम सत्य मानते हैं हम खुद को वास्तव में राजा मानने लगते हैं या भिकारी मानते हैं या सुखी मानते हैं या दुखी मानते हैं जिस प्रकार से हम उस स्वप्न में स्वयं को देख रहे हैं न वेद पूर्वम परम हमें याद नहीं रहता है कि सोने से पूर्व इस सुप्तावस्था में जाने से पूर्व हम कौन थे और ना ही नींद से जागने के बाद हमारा क्या अस्तित्व है ये सब हम भूल जाते हैं और उस स्वप्न में व्यक्त स्वरूप के साथ हम अपने आप को आइडेंटिफाई करने लगते हैं हम अपने आप को उसी के साथ एक रूप मानने लगते हैं नष्ट जन्म स्मृति हमारे वास्तविक जीवन का हमारे जन्म का हमारे शरीर का कुल का सब ज्ञान हम भूल जाते हैं उसी प्रकार इस देह में आने के पश्चात हम पूर्व का सब ज्ञान भूल जाते हैं हमें यह याद नहीं रहता कि पूर्व के जीवन में हमने किस प्रकार के कर्म किए हैं किस परिस्थिति में हम रहे हैं कितने धर्म अधर्म के कार्य किए हैं यह सब स्मृति नष्ट हो जाती है जिस प्रकार एक सुप्त व्यक्ति स्वप्न के अपने अस्तित्व को सही मान बैठता है और उसके पूर्व और अपरा भविष्य में आने वाली परिस्थिति को अनदेखा कर देता है भूल जाता है उसे स्मरण नहीं होता उसी प्रकार इस देह में जब हम जन्म लेते हैं जन्म से पूर्व गर्भ में हमें सब याद रहता है लेकिन जैसे ही हम जन्म लेते हैं माता के साथ हमारा जो संबंध है वो नाल काटी जाती है उस क्षण हम पूरा का पूरा विस्मृति में चले जाते हैं हमारे भूतकाल की स्मृति जो है नष्ट हो जाती है नष्ट जन्म स्मृति स्था इसके पूर्व हमने कितने देह लिए क्या कर्म किए किस कुल में जन्मे मनुष्य थे कि पशु थे सब कुछ नष्ट हो जाता है भूतकाल और भविष्यकाल हम देख नहीं सकते हालांकि सब अस्तित्व में है लेकिन हमारा हमारे स्मरण से वो निकल जाता है पंचभी कुरुते स्वार्थन पंचवेद अथ पंचभी एकस्तु षोड़शेन त्रिन स्वयं सप्तशोष्णुते और जब हम हमारे पूर्व के आयुष्य को भूलते हैं तो क्या होता है कहते हैं कि पंचभी कुरुते स्वार्थन जो कर्म करने वाले हमारे पांच इंद्रिया हैं हमारे पास पांच कर्मेंद्रिया है हु? और पंचवेद और पांच ऐसी इंद्रिया है जो हमें ज्ञान देती है तो पांच कर्मेंद्रिया कौन सी है तो हाथ है पैर है जीवा है हमारी वाणी जिससे हम कर्म करते हैं जनन इंद्रिया है जिससे कर्म करते हैं और गुदा द्वार है जिससे कर्म करते हैं ये हमारी पांच कर्मेंद्रिया है और पांच ज्ञानेन्द्रिया है जो हमें ज्ञान देती है परिस्थिति का जैसे आँख है कान है नाक है जीवा है और त्वचा है ये पाँच ज्ञानेन्द्रिया है और पाँच है हाथ पैर वाणी जीवा दो कार्य करती है एक आस्वाद लेती है और एक बोलती है तो वाणी कर्मेंद्रिया है और आस्वादन करना ये ज्ञानेन्द्रिया है तो हाथ पैर वाणी जननेन्द्रिया और गुदा द्वार ये पांच कर्मेंद्रिया है और आँख नाक जीवा त्वचा और कान ये हमारी ज्ञानेन्द्रिया है तो ज्ञानेन्द्रिया किस चीज का ज्ञान प्राप्त करते है? तो कहते हैं अतपंच भी विषयों का ज्ञान पांच ज्ञानेन्द्रिया प्राप्त करते हैं कौन से विषय है रूप रस गंध स्पर्श और शब्द आँखों से हम रूप को देखते हैं कानों से हम शब्द सुनते हैं नासिका से हम गंध को अनुभव करते हैं जीवा से हम स्वाद अनुभव करते हैं और त्वचा से हम स्पर्श अनुभव करते हैं तो पांच कर्मेंद्रिया पांच ज्ञानेन्द्रिया और पांच इंद्रियों के विषय पंचभी कुरुते स्वार्थान पंचभी कुरुते यानी जो करते हैं पांच कर्मेंद्रिया पंचभी वेद जो पंचवेद जो है पांच जो ज्ञान अर्जन करते हैं वो इंद्रिया और पंचभी जिसका ज्ञान अर्जन करते हैं वो पांच इंद्रियों के विषय ऐसे पंद्रह हुए एक लेकिन उसके ऊपर एक है एक क्या है इन सभी को नियंत्रित करने वाला कौन है तो वो है मन मन के द्वारा इंद्रिया नियंत्रित होती है ज्ञानेन्द्रिया ज्ञान देती है और मन की मन में इच्छा उत्पन्न होने के बाद कर्मेंद्रिया कर्म करती है तो मन के द्वारा ये सब नियंत्रित होता है एकस्तु षोड़ न तो पांच कर्मेन्द्रिया पांच ज्ञानेन्द्रिया पांच इंद्रियों के विषय पंद्रह और मन सोलह के द्वारा स्वयं सप्तशोत्तृण अश्नुते जो स्वयं सत्रहवा जीव जो है इन सब में जीव है ना जो इसका भोग लेता है मन के द्वारा ये ज्ञान तो प्राप्त होता है लेकिन भोग कौन रहा है अश्नुते तो कहते हैं स्वयं जीव जो सप्तदश है जो सत्रावा है तो सत्रावा जीव ये सोलह प्रकार के माध्यमों के द्वारा भोगता है क्या भोगता है त्रिंड। त्रिंड तीन प्रकार की परिस्थिति कौन सी तीन प्रकार की परिस्थिति तो कहते हैं एक सुख की एक दुख की और एक मिश्रित हम सदैव इन तीन परिस्थितियों में रहते हैं ना कभी हम सुख का अनुभव करते हैं कभी दुख का अनुभव करते हैं तो कभी मिश्रित अनुभव होता है हमारा सुख और दो दुख दोनों ही मिश्रित रूप में हमारे मन में रहते हैं वर्तमान में सुख हो रहा है भविष्य की चिंता हो रही है और भूतकाल पे शोक कर रहे हैं तो ये मिश्रित अवस्था है कभी बहुत ज्यादा सुख का अनुभव होता है मन हर्षित हो जाता है तो कभी बहुत दुखी होता है ये सुख दुख और मिश्रित अवस्था इनका अनुभव हमें क्यों आता है क्योंकि ये पांच ज्ञानेन्द्रिया पांच कर्मेंद्रिया पांच इंद्रिय के विषय और मन ये इस शरीर में हमारे साथ है इनके मार्फत इनके द्वारा हमें सुख दुख या मिश्रित अवस्था का अनुभव होता है देखिए मन जो है ना यही वास्तविक हमें और इन तीन अवस्थाओं में भी आप अगर देखोगे तो कौन सी अवस्था अधिक मात्रा में होती है तो व्यक्ति को दुख बहुत ज्यादा मात्रा में प्राप्त होता है सुख से भी ज्यादा दुख की अनुभूति होती है ऐसा कहा जाता है कि इस सृष्टि में वास्तविक सुख है ही नहीं और इस बात पे विचार करना चाहिए किसे हम सुख कहते हैं वो बस दो दुखों के बीच का फासला है एक दुख खत्म हुआ दूसरा अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ उसके बीच का जो फासला है जो एक अनुकूल अनुभूति मात्र है उसे हम सुख कहते हैं अन्यथा जिन पदार्थों में हम सुख का खोज कर रहे हैं उसमें तो सुख है ही नहीं कोई पदार्थ आपको बहुत स्वादिष्ट लगता है कितना खा पाएंगे बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है कितना खाएंगे पेट भरने के बाद उसके ऊपर और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और अधिक कितना खाएंगे जब यहां तक आएगा गले तक तब तो उसको देखने से नफरत होने लगेगी और देखना तो छोड़ो इतना पेट भर जाए तो कोई केवल अन्न का बाद भी निकाले कितना भी स्वादिष्ट पदार्थ हो उसका नाम कान पर आने पर ही तिरस्कार होने लगता है तो ये जो अनुभूति है कि अमुक पदार्थ मुझे स्वादिष्ट लगता है और मुझे उसको खाना है मुझे उसको भोगना है ये अनुभूति आपके परिस्थिति के अनुसार बदलती जाती है पेट अगर खाली है तो बहुत ज्यादा आनंद देगी और वही पेट जब भर जाएगा तो वही पदार्थ पदार्थ तो वही है वही स्वाद है वही उसका रूप है वही रंग है लेकिन फिर उसी का तिरस्कार आने लगेगा इसे कहते हैं नैमित्तिक सुख एक परिस्थिति के निमित्त से हमें वो अनुकूल लगने लगता है और जैसे ही परिस्थिति बदल जाती है वही व्यक्ति वस्तु या परिस्थिति प्रतिकूल लगने लगता है तो वास्तविक सुख किधर है देर इज नो एब्सोल्यूट हैप्पीनेस वास्तविक सुख इस जगत में है ही नहीं जैसे आपको सर्दी के मौसम में गर्म पानी बहुत सुख देता है और वही गर्म पानी वही तापमान का पानी जब आप गर्मी में लेते हैं तो वही आपको प्रतिकूल प्रतीत होता है तो पदार्थ वही है लेकिन आपकी अनुभूति आपके परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है और यह अनुभव जो है यह नैमित्तिक है रिलेटिव है जब हमारा सुख निमित्त के ऊपर आधारित हो तो हम पूर्णतया सुखी हो ही नहीं सकते क्योंकि परिस्थिति बदलती रहती है पदार्थ का अनुभव उसी प्रकार बदलते रहता है और यह अनुभव जो है ये इंद्रियों के द्वारा मैनिपुलेट होते रहते हैं इंद्रियों की क्योंकि परिस्थिति जो है इंद्रियों की है त्वचा को वो गर्म लग रहा है इसलिए वो गर्म है अन्यथा वो तो अपने तापमान पर है तो हम उससे किस प्रकार से रिलेट करते हैं उससे किस प्रकार से संबंध पदार्थों से बनाते हैं उस प्रकार से वो हमें अच्छा या बुरा लगता है तो इस जगत का वास्तविक सुख का जो परिभाषा है यह पूरी तरह नैमित्तिक है और इसीलिए हम देखते हैं कि इस जगत में कोई भी व्यक्ति पूर्णतया सुखी नहीं है धनी भी सुखी नहीं है गरीब भी सुखी नहीं है सुंदर भी सुखी नहीं है कुरुप भी सुखी नहीं है कोई सुखी नहीं है तो वास्तविक सुख कहाँ तलाश किया जाए क्योंकि हर जीव को सुख की अपेक्षा है और होनी भी चाहिए क्योंकि जीव जो आत्मा है उसका मूलभूत बनावट ही आनंद से है सच्चिदानंदमयी तो वो सुख की तलाश तो करेगा ही ये सुख प्राप्त कैसे किया जाए इन पाप कर्मों से क्लेशों से कैसे बचा जाए यही इस कथा का विषय है जिसके और हम और आगे बढ़ेंगे हमारे आने वाले भाग में तब तक के लिए हरे कृष्ण